हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपका फिज़िकल एजुकेशन का एग्ज़ाम में पेपर किस तरीके से आने वाला है। तो आप सभी को पता होगा कि 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल हो चुका है और 70 मार्क्स का थ्योरी का एग्ज़ाम आपका आने वाला है। तो थ्योरी का जो एग्ज़ाम है आपका किस पैटर्न पे आने वाला है, किस तरीके से आने वाला है, पिछले वर्षों के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें पैटर्न अलग था और अभी पैटर्न अलग है। इसमें बस छोटे से चेंज कर दिए गए हैं कि जो आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते थे वो आपको आंसर के रूप में देना होता था, लेकिन अब इस साल से क्या हो गया है, इस साल से ये हो गया है कि आपके जो 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चंस हैं 1 मार्क्स के कर दिए गए हैं और इसमें आपको ऑप्शंस प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो देखते हैं पैटर्न किस तरीके से है। ये जो पैटर्न है आपका CBSE की ऑफिशियल साइट्स पर भी अवेलेबल है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसमें लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप लिंक्स पर जाकर इस पूरे पेपर को निकलवा सकते हैं, प्रिंट आउट कर सकते हैं। इसमें से नियर अबाउट 15 to 20 क्वेश्चंस कंपलसरी है जो आएंगे ही आएंगे। चलिए तो हम देखते हैं इस पैटर्न को। देखिए यहाँ पे MCQs में आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, जहाँ पर मैं से एक मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ। विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट इम्प्रूव्ड इन Barrow 3 आइटम टेस्ट। तो इसमें जो आंसर आपका है शटल रन। तो इस तरीके से ये आपके जो क्वेश्चन आएंगे MCQ के फॉर्मेट में आएंगे। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, फाइन मोटर डेवलप इन इन्वॉल्व्ड इन। तो इसका आंसर है आपका कैचिंग अ बॉल। सो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत। MCQs हैं, बहुत आसान आएंगे, आपको बस टिक करना है, आपको लिखना है और नंबर पाने हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी के भी कुछ हम क्वेश्चंस रीड करेंगे। इसमें हम आपको बता देते हैं जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस है आने की, उनमें से कौन से क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एक्सप्लेन द मेथड टू इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी विथ हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, जो कि क्वेश्चन नंबर 24 है। ऑब्वियसली ये अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा, लेकिन ये पूछा ही जाएगा, ये कंपलसरी क्वेश्चन ही है। इस तरीके से इसमें बाकी क्वेश्चन दे रखे हैं। अब देखते हैं सेक्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पे आपका 23 टीम्स का जो फिक्स्चर दिया गया है, ये जो फिक्स्चर है ये ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर बना चुका हूँ और उसको आप जाकर देखिए। और यहाँ पर एक और उससे ऑप्शन में क्वेश्चन दिया हुआ है, ड्रॉ अ फिक्स्चर फॉर 9 टीम्स बाय राउंड रॉबिन मेथड। राउंड रॉबिन मेथड भी मैंने आपको अपने चैनल पर बनाकर दिखाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। तो इनमें से आपके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। इस क्वेश्चंस के जो आंसर शीट्स हैं ये भी आपको लिंक में प्रोवाइडेड है नीचे, आप नीचे जाकर लिंक पर जाकर क्लिक करें और इसका प्रिंट आउट निकाल लें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी ढंग से करें। तो ये था एक पैटर्न जिस तरीके से आपका एग्ज़ाम आने वाला है। अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स को हमारे चैनल्स के साथ जोड़िए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और इस चैनल पर आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स, टिप्स एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स सभी कुछ वीडियोस आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर फास्ट रिवीजन चैप्टर वाइज। थैंक यू।